कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के रण में पूरी तरह उतर चुके हैं। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। आज राहुल गांधी उत्तर गुजरात के गांधीनगर और अरावली और मध्य गुजरात के आदिवासी बहुल महीसागर और दाहोद जिलों का दौरा कर नुक्कड़ सभा और दूसरे कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। कांग्रेस जहां एक तरफ राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी पर जमकर हमला बोल रही है, तो वही बीजेपी जनता के बीच अपनी कामयाबियों को लेकर जा रही है। राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि गुजरात का रण अगर वो जीतने में कामयाब हो गए तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते ही कांग्रेस नेताओं का सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि 20 साल से भी ज्यादा समय से गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह भी गुजरात से ही आते हैं, इसलिए गुजरात को किसी भी कीमत पर बीजेपी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। गौरतलब है कि वही 27 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बहरहाल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। देखना यह है कि रैलियों से कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।